हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हेडिंग टैग। HTML में हेडिंग टैग कैसे हम यूज करते हैं। हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है, देखिए, द टैग इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। द हेडिंग टैग्स अप्लाई प्री डिफाइंड हेडिंग स्टाइल टू टेक्स्ट। देयर आर सिक्स लेवल H1 टू H6। H1 हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट साइज and the mainly used for main headings and lower level progressive for subheadings। इसका syntax देखिए, heading tag क्या कह रहा है कि heading tag जो होता है, we have हमारे पास H1 से लेके H6 तक हमारे पास क्या होते हैं, heading tags होते हैं, ठीक है। H1 suppose for example हम कैसे लिखेंगे, हम start कैसे करेंगे, जैसे H1 tag, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, कोई भी हमने text लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे H1 बंद कर दिया, ये याद रखिएगा, ये हेड टैग के अंदर आता है। हेड मतलब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सपोज हमने HTML स्टार्ट किया, ठीक है, HTML स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हेड टैग। हेड टैग के अंदर मैं क्या यूज कर रही हूँ, H1 यूज कर, ठीक है। H1 यूज किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया BCA 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लगाया H2, लिखा मैंने BCA 6, यहाँ पे मैंने H2 लगा दिया। फिर मैंने लगाया H3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वही BCA 6, और यहाँ पे मैंने ये टैग बंद कर दिया। इसी तरह मैंने सपोज H6 तक लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया BCA 6, यहाँ पे मैंने H6 बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बंद कर दिया, हेड, ठीक है, HTML बंद। यहाँ पे मैंने कोई बॉडी नहीं बनाई है, मैंने सिंपल हेडिंग का टैग समझाने के लिए हेडिंग यूज किया है। अब जब मेरे पास आउटपुट आएगी, आउटपुट क्या आएगी, देखो H1 जहां मैंने यूज किया है, H1 क्या करेगा, H1 हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट साइज। जो H1 का जो मैंने BCA लिखा हुआ है, वो आएगा मेरे पास BCA इस तरह से 6, फिर H1 का इससे साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, BCA 6, फिर H3 का उससे छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसी तरह अगर मैं H6 पे पहुंचूंगी तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, उससे कम H2 का, उससे कम H3 का, उससे कम H4, H5 और H6 का हेडिंग लेवल, हेडिंग का साइज बहुत कम होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको हेडिंग किस साइज में चाहिए, ठीक है। आपको जिस, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे H1 से लेकर H6 तक यूज करना है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। सपोज आप यूज करते हो HTML, ठीक है, हेड आप यूज कर रहे हो H3 लेवल। H3 में आपने लिखा टेक्स्ट, ठीक है, ये बंद कर दिया आपने H3, और HTML हेड भी बंद कर दिया, देन क्लोज द HTML टैग। तब आपकी आउटपुट क्या आएगी, जो H3 का साइज होगा, H3 का साइज H1 का जैसे ये था H2 का, तो H3 का क्या होगा, इतना सा आएगा नॉर्मल टेक्स्ट, ये आपकी आउटपुट होगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हो गए हमारे पास हेडिंग्स H1 से लेके H2 तक, HN तक, ठीक है, मतलब H6। वी हैव 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स। देन वी हैव अलाइनमेंट्स, आप इसमें अलाइनमेंट्स भी कर सकते हो। अलाइनमेंट्स कैसे कर सकते हो, अलाइनमेंट्स हमारे पास की तीन तरह की होती हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर। हमारे पास अलाइनमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं, आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। अलाइनमेंट हमारे पास कितने तरह की होती हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ठीक है। अब आप ये टेक्स्ट में कैसे यूज कर सकते हो, सपोज आपने अलाइनमेंट को यूज करनी है, ठीक है, हेडिंग में ही, मैं आपको हेडिंग में ही सिंपल लिख रही हूँ। जैसे मैंने HTML टैग स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने हेड में मैंने H1 में क्या किया, H1, ठीक है,
मैंने क्या किया, अलाइन, अलाइन एक कीवर्ड है, अलाइन इक्वल्स टू, अलाइन की वे देनी है वैल्यू, अलाइन इक्वल्स टू मैंने लिख दिया सेंटर, ठीक है, अलाइन मैंने दे दिया सेंटर, टैग बंद, यहां पे मैंने लिख दिया BCA लिख दिया, और H1 टैग क्या कर दिया मैंने, H1 टैग कर दिया मैंने बंद, और HT हेड भी कर दिया मैंने बंद, और HTML टैग भी कर दिया मैंने बंद। अब आउटपुट क्या आएगी इसकी, आउटपुट आएगी ये, जैसे ये हमारी, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, ये विंडो एक्सप्लोरर में आपका BCA सेंटर अलाइन होगा और इस तरह से लिखाया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे H2 भी कर सकते हो, H2 कर दिया अलाइन आपने, सपोज सेंटर की जगह लिख दिया राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिखा हुआ, आउटपुट क्या आएगी इसकी, राइट पे आ जाएगा BCA, ठीक है। आप यहाँ पे H1 की जगह H2, H3, अप टू H6 कुछ भी लिख सकते हो, आप अलाइनमेंट भी दे, जरूरी नहीं आपने अलाइनमेंट जो है हेडिंग में देनी है, आप अलाइनमेंट टेक्स्ट में भी दे सकते हो। वो कैसे, ये तो समझ आ गया होगा ना, अगर मुझे हेडिंग में अलाइनमेंट देनी है तो क्या सिंटेक्स है हमारा, सिंटेक्स क्या है मेरा, हेडिंग में देनी है, जोन से भी हेडिंग यूज करना चाहते हो, H1 यूज करना चाहते हो, H2 यूज करना चाहते हो, H6 यूज करना चाहते हो, वो हेडिंग नंबर दे दो, कीवर्ड लिखना है अलाइन इक्वल्स टू, जो भी अलाइनमेंट देना चाहते हो, सेंटर, राइट या फिर लेफ्ट, कुछ भी देना चाहते हो, उन तीनों में से कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पे एक लिख दो और टैग बंद कर दो, और जिस जिसको जोन सी हेडिंग देना चाहते हो उस हेडिंग का नाम, जैसे मैं हेडिंग देना चाहती हूँ BCA, तो BCA क्या होगा, अगर मैं सेंटर है तो BCA हेडिंग टू के हिसाब से एच वन से थोड़ा छोटा होगा और सेंटर लाइन होगा, अगर राइट है तो राइट पे आ जाएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, कि हम HTML में अपना अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, मतलब अपना अपना टेक्स्ट लेफ्ट राइट या फिर सेंटर कैसे कर सकते हैं, ये हमने बताना होगा, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा टैग है डॉक टाइप, हमारे पास एक टैग है, ये HTML टैग नहीं है, ये एक सिंपल है डॉक टाइप। ये सिंपल क्या होता है, ये सिंपल HTML का वर्जन बताने के लिए हम यूज करते हैं, द डॉक टाइप डेक्लेमेशन, द डॉक टाइप डेक्लेरेशन मस्ट बी वेरी फर्स्ट थिंग इन योर HTML डॉक्यूमेंट बिफोर द HTML टैग। द डॉक टाइप डेक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग, ये जो डॉक टाइप है इट इज नॉट अ HTML टैग, बट ये HTML टैग से पहले हम यूज करते हैं, जैसे पहले मैंने डॉक टाइप यूज किया, ठीक है, उसके बाद मैं अपना HTML का पेज, सॉरी क्लोज हो रहा है, HTML का पेज क्लोज कर, HTML का पेज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैंने हेड लिखा, ठीक है, हेड दिया मैंने, सपोज H1 मैंने हेड दे दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, और H1 मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, हेड भी क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने HTML का वो भी बंद कर दिया। यहाँ मैंने कोई भी बॉडी वगैरह नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई टाइटल भी नहीं लिखा है, मैं सिंपल हेडिंग दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इसको ब्राउजर विंडो में खोलोगे तो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इज नॉट, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो टैग है इससे HTML टैग से हम पहले लिखेंगे, ये हमें बताएगा क्या, ये हमें बताएगा, इट विल डिक्लेयर अस, बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो हम HTML यूज कर रहे हैं ये किस वर्जन का है। सपोज हम यूज कर रहे हैं HTML 4.01, तो ये हमें बताएगा कि ये जो आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो 4.01 वर्जन का यूज करो, सिंपल। ये जो डॉक टाइप है ये हमें बताएगा कि डॉक्यूमेंट किस वर्जन का है, दैट्स इट, ठीक है। आज का टॉपिक क्लियर हो गया है बेटा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो डाउट्स अपने पूछ लेना, ठीक है, थैंक यू।